कॉकरोच हम स्टडी कर रहे हैं और कॉकरोच के अंदर हम अभी तक 12 पॉइंट स्टडी कर चुके हैं। नंबर 13, अभी तक हमने देखा कॉकरोच की जनरल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन है, बोलो एक्सोस्केलेटन, क्लियर? और एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, क्या क्या प्लेट्स होती है, किससे जुड़ी होती है, उसके अलावा हेड पर जो मुखांग है वो कौन कौन से उसके पार्ट्स है, माउथ पार्ट्स देखे, उनके नंबर कौन एक है, कौन पेड है, उनके नाम क्या है, वो सारी बातें मैंने बताई। चाहे लेब्रम हो, लेबियम हो, हाइपोफेरिंग्स हो, उसके अलावा मेडिला हो, मैक्सिला हो और मेंडिबल हो, क्लियर? मतलब बहुत इजी है, आप थोड़ा सा इमेजिंग करो जैसे मैं बता रहा हूँ, क्लियर? और किस टाइप का होता है मुखांग वो तो आपको पता ही है, बाइटिंग और च्यूमिंग, मतलब ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर? और माउथ पार्ट के अंदर कौन पेड होता है, कौन सा अनपेड होता है, तो वो आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। अपर लिप है तो एक ही होगा, लोअर लिप है तो एक ही होगा, टंग भी एक ही होगी ना, अपर जो लोअर जो पेड होंगे, दैट्स ऑल, बात समझ में आए? ओके। उसके अलावा मैंने आपको एक बार स्ट्रक्चर में पूरा बताया है, ठीक है? अब मैंने कहा 13 पॉइंट हम लेते हैं, बोलो थोरैक्स, क्या लिया मैंने? थोरैक्स, ओके। तो थोरैक्स के लिए क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा थ्री, मैंने कहा सेगमेंटेड, क्लियर? कितने खंड वाला होता है ये बोलो, तीन खंड वाला होता है, क्लियर? तो यहाँ पर मैंने कहा कि बोलो नेम, ठीक है, ऑफ सेगमेंट, कि भाई इसके सेगमेंट को क्या कहते हैं, और मैंने कहा यहाँ पर नेम, ठीक है, ऑफ एक्सो स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन, पहले सबसे पहले यही क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। मैंने कहा यहाँ पर बोलो पहला जो सेगमेंट है किसका, बोलो थोरेक्स का, उसको बोलते हैं प्रोथोरेक्स, क्या बोलते हैं? प्रोथोरेक्स, क्लियर? क्या बोलते हैं? प्रोथोरेक्स, क्लियर? दूसरा है उसको क्या बोलते हैं? मीजोथोरेक्स, क्लियर? क्या बोलते हैं? मीजोथोरेक्स, क्लियर? और तीसरा क्या होता है? मेटा थोरेक्स, क्या होता है बोलो? मेटा थोरेक्स। जो प्रोथोरेक्स होता है उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको प्रोनोटम कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? प्रोनोटम, क्लियर? तो जो आपसे मैं कह रहा हूँ मीजोथोरेक्स का एक्सोस्केलेटन होता है उसको क्या कहते हैं? मीजोनोटम, क्लियर? ओके। और बोलो कल बेस बनाया था, और मेटाथोरेक्स को क्या कहते हैं? मेटानोटम, क्लियर? तो प्रोनोटम जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, जाके नेक को भी कवर किए हुए रहता है, क्लियर? एक तो चीज ये पता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि बोलो थोरेक्स, ठीक है, थोरेक्स पर बोलो थ्री पेयर, ठीक है, थ्री पेयर लेग्स, एंड मैंने कहा टू पेयर, बोलो टू पेयर विंग्स, ठीक है, बोलो उपस्थित होती है, क्लियर? क्या बोला मैंने आपको? थोरेक्स पे क्या होती है? थ्री पेयर लेग्स एंड टू पेयर विंग्स उपस्थित होती है, क्लियर? ओके। अब मेरे को लेग्स के बारे में बताना और विंग्स के बारे में बताना है, तो अगला मेरा पॉइंट 14 जो है वो डेडिकेटेड टू बोलो लेग्स, ठीक है, ऑफ कॉकरोच, क्लियर? लेग्स ऑफ, मैंने कहा कॉकरोच, ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर? अब मैं पूरा लेग्स के बारे में सब कुछ अच्छे से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोलो थ्री पेयर, ठीक है, बोलो लेग्स, थ्री पेयर लेग्स होती है, ठीक है, थ्री पेयर लेग्स होती है मतलब हेक्सा पॉडल, क्लियर? क्या बोल रहा हूँ मैं बोलो? अर्थात अर्थात कॉकरोच 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 हेक्सापॉडल, क्लियर? हेक्सापॉडल होता है, ठीक है, कैसा होता है बोलो? हेक्सापॉडल। लेकिन ध्यान रखना कि कॉकरोच हेक्सापॉडल जरूर होता है बट लोकोमोशन के पॉइंट ऑफ से ट्राइपॉडल होता है। क्या बोल रहा हूँ बोलो? हेक्सापॉडल तो ये होता है बट लोकोमोशन के पॉइंट ऑफ से ट्राइपॉडल होता है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसमें तीन टांगे एक साथ चलने में काम आती, तीन टांगे एक साथ चलने में काम आती, टुमक टुमक ऐसे, क्लियर? तो ये स्पेशल तरीके वॉक करता है जिसको मैं कैसे बता रहा हूं, इधर देखो, मैंने कहा ठीक है कॉकरोच, बोलो कॉकरोच कॉकरोच, ठीक है, बोलो लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन, ठीक है, गति गति के रूप से या पॉइंट ऑफ से ट्राइपॉडल, ठीक है, ट्राइपॉडल ट्राइपॉडल होता है, ठीक है। देखो कैसे, सपोज दैट ये L1, ये L2, ये L3, क्लियर? मतलब
थोरेक्स के तीन सेगमेंट है, थ्री पैर है, तो लेफ्ट लैक्स, लेफ्ट 2 लैक्स और लेफ्ट 3 लैक्स, क्लियर। राइट राइट वन R1, R2 और R3। अब इसमें क्या होता है, इस तरह से मोशन होती है, क्लियर, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होती है। मतलब मैंने कहा ट्राइपोडल होता है, क्लियर। अर्थात बोलो गमन के समय समय मैंने कहा 3 लैक्स, ठीक है, बोलो 3 लैक्स, ठीक है। अर्थात बोलो L1, R2 एंड L3, ओके। तथा मैंने कहा आपको R1, L2, क्लियर, और बोलो आपका R1, L2 और R3 एक साथ बोलो गमन गमन करती है, ठीक है। बोलो क्या समझे, बोलो। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉकरोच जब भी गमन करता है तो कौन सी लेग एक साथ काम करती है, तो आपको ऐसा ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप ये डायग्राम को ध्यान रखोगे तो अपना आप ध्यान रहेगा। L1, L2, L3, R1, R2, R3, इसकी इसके ऐसे और ऐसे, क्लियर। मतलब इसकी इसकी और इसकी हेल्प से एक बोलो ये ऐसे, क्लियर, ऐसे ऐसे, बात समझ ना। कभी कॉकरोच को चलते हुए, हालांकि कॉकरोच की स्पीड बहुत तेज होती है, कभी धीरे धीरे चल रहा हो तो आप देखना वो कैसे चलता है, क्लियर। बड़ा अजीबो गरीब उसकी बोलो लोकोमोशन होती है। मतलब L1, R2 और L3 एक साथ बोलो रखता है, और R1, R2 और R3 एक साथ रखता है, क्लियर। मतलब इनकी साथ में और इनकी साथ में, मतलब एक बार जब वो चलेगा तो कितने काम आएंगे, ओनली 3, और एक बार फिर वापस पैर रखेगा तो कितने काम आएंगे, 3। इसलिए गमन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होता है, ट्राइपोडल। और यूं ये कैसा है एनिमल, बोलो हेक्सापोडल। हेक्सापोडल का मतलब 6 टांगे होना, क्लियर। हेक्सापोडल का मतलब 6 लेग्स होना, और ट्राइपोडल को लोकोमोशन का मतलब है कि एक बार जब गमन करता है तो 3 टांगे यूज आती है। बात समझ में आई, बोलो आपको, क्लियर। अच्छा, अब अगर अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ 1 लेग्स, ठीक है, अगर मैं एक लेग की स्ट्रक्चर बताऊंगा तो अपने आप ही 6 लेग्स की अपने आप हो जाएगी, बोलो क्लियर, क्योंकि अपने और अपने सेम है, तो उसमें भी 6 के 6 बोलो सेम होगी, क्लियर। तो यहां पर बता रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ 1 लेग्स, क्लियर। कॉकरोच, क्लियर, कॉकरोच कॉकरोच, ठीक है, कि एक लेग, ठीक है, एक लेग में 5 टाइप, ठीक है, के 9 सेगमेंट, क्लियर, 9 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। 5 टाइप के कितने सेगमेंट होते हैं, 9 सेगमेंट होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर कॉकरोच की मैं अच्छे से लेग्स बता रहा हूँ, क्लियर, ओके। थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि उसकी एक्चुअली लेग है कैसी, ठीक है। और बनाते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि जो एग्जाम में पूछा जाता है सबसे लंबी कौन सी, सबसे मजबूत कौन सी, सबसे छोटी कौन सी, सब कुछ अपने को यहाँ पर जानना है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने कॉकरोच की लेग बनाई है, थोड़ी बड़ी बनाई है ताकि आपको पता चले, क्लियर, ओके। तो क्या बता रहा हूँ, सबसे पहला ये जो होता है बोलो इसको बोलते हैं कॉक्सा, क्या बोलते हैं, कॉक्सा, क्या बोलते हैं, कॉक्सा। ये जो नंबर 2 है इसको बोलते हैं ट्रोकेंटर, क्या बोलते हैं, ट्रोकेंटर, क्लियर। ये जो आपका नंबर 3 है इसको बोलते हैं, मैंने कहा आपसे मैं कह रहा हूँ फीमर, क्या होती है बोलो, फीमर, क्लियर। ये जो होती है इसको बोलते हैं टीबिया, क्या बोलते हैं बोलो, टीबिया, क्लियर। और ये जो होती है इसको बोलते हैं टार्सस, क्या बोलते हैं बोलो, टार्सस, क्लियर, बोलो ये क्या है, टार्सस, ठीक है। फिर टार्सस फर्दर 5 सेगमेंट में डिवाइडेड रहती है, क्लियर, और हर एक सेगमेंट को टार्सोमियर या पोडोमियर कहते हैं, क्या कहते हैं, टार्सोमियर या पोडोमियर, क्लियर। तो मैंने कहा ये हर एक बोलो इसको एक किसी एक को नाम दे दूं तो ये क्या है बोलो, मैंने कहा टार्सोमियर, क्लियर, बोलो या इसी को क्या कहते हैं, पोडोमियर, क्लियर। मतलब टार्सस जो पार्ट है
वो नंबर 5 का जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बोला कि इसके अंदर बोलो एक लेक में 5 टाइप के 9 सेगमेंट होते हैं। 5 टाइप मतलब समझ में आया कि कॉक्सा 1, ट्रोकेंटर 2, फीमर 3, टीबिया 4 और टार्सस 5। फिर टार्सस के अंदर कितने सेगमेंट है? 5। तो टोटल कितने हो गए? 9। बात समझ में आए? बोलो क्लियर। और टार्सस के अंदर हर एक खंड जो होता है उसे क्या कहा जाता है? टार्सोमियर, टार्सोमियर या पोडोमियर। क्लियर। अब क्या होता है कि हर एक पोडोमियर के नीचे एक गद्दी नुमा बोलो संरचना होती है, जिसके प्लेंटुली बोले। क्या बोलते हैं? प्लेंटुली। क्या बोलते हैं? प्लेंटुली। क्या बोलते हैं? बोलो प्लेंटुली। बोलते भी नहीं हो। क्या बोलते हैं उसको? प्लेंटुली। क्या बोलते हैं? बोलो। मैंने कहा यहाँ पर पेंटुली। क्या बोलते हैं? पेंटुली। क्लियर। जो लास्ट का सेगमेंट, लास्ट का पोडोमियर होता है, ये डेफिनेटली कौन है? आप कहोगे लास्ट पोडोमियर। क्लियर। उसमें क्या होता है? ये प्लेंटुली फूली हुई रहती है, जिसको एरोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो एरोलियम कहते हैं। और एरोलियम के दोनों ओर क्लाउज मतलब नखर होते हैं, ठीक है, उपस्थित। बात समझ में आए? बोलो। ये मैंने किसकी स्ट्रक्चर बताई है? एक लेग की बताई है। बात समझ में आए? बोलो। मेरे कहने मतलब कॉकरोच में कितनी टैग? 6 टांगे होती है, बट गमन के समय कितनी काम आती है? 3 एक साथ काम आती है, मतलब 3 एक साथ काम आती है। और वो 3 एक साथ कौन सी काम आती है, वो ऐसे आपको याद नहीं रहेगा। L1 L2 L3 करो, R1 R2 R3 करो, ऐसे सेटिंग बिठाओ, अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर। ये किसकी स्ट्रक्चर बनाई मैंने? एक लेग की स्ट्रक्चर बताई। अब ये जो मैंने 5 बातें बताई है, इनकी अगर मैं बोलो जो एग्जाम में पूछते हैं वो बताऊं। सबसे पहले कॉक्सा। क्लियर। कॉक्सा के लिए क्या पता होना? अच्छा, पहले तो आपके दिमाग में होने चाहिए ऑल आर बोन्स। क्लियर। क्या है ये? बोन्स है। क्लियर। हमारे भी तो पैर में क्या है? बोलो बोन्स ही है। बोलो तो इसके भी क्या होगी? बोन्स ही होगी। क्लियर। तो मेरे कहने मतलब कॉक्सा को क्या कहेंगे? ये है बोलो बेसल, ठीक है। बेसल मतलब आधार, ये ठीक है। बोलो पार्ट्स ऑफ लेग्स। क्लियर। पार्ट ऑफ लेग्स, ठीक है, होता है। मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ कि भाई यहीं से तो वो थोरेक्स से जुड़ा हुआ होगा। क्लियर। तो इसको हम क्या कहेंगे? कोई भी चीज जुड़ी हुई होती है उसी को बेसल पार्ट कहते हैं। क्लियर। तो ये बेसल पार्ट ऑफ लेग्स मतलब आधारीय भाग लेग का होता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रोकेंटर। क्लियर। ट्रोकेंटर को क्या बोलूंगा? स्मॉलेस्ट। क्लियर। बोलो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लेग्स। क्लियर। मैं वही बातें लिख रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपको पूछा जाए कॉकरोच की एक लेग के अंदर कौन सा सबसे छोटा भाग होता है, कौन सी सबसे छोटी बोन होती है, बात एक ही है, तो उसका नाम क्या है? ट्रोकेंटर। क्लियर। ये चीज मैंने बनाते समय खास तौर पर ध्यान रखा कि आपको वास्तव में वो छोटा दिखना चाहिए। क्लियर। ये मजबूत भाग होता है तो मजबूत दिखना चाहिए, ये सबसे लंबा भाग होता है तो सबसे लंबा दिखना चाहिए। मतलब डायग्राम बनाते समय इस बात का ध्यान रखा। क्लियर। और ये 5 सेगमेंट है तो 5 सेगमेंट दिखने चाहिए। बात समझ रहे ना? ओके। तो मैंने कहा आपको ये क्या बताया? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लेग। समझ जाओगे? बोलो मतलब इस कॉकरोच की लेग का सबसे छोटा भाग पूछा जाए तो कौन सा है? ट्रोकेंटर। उसके बाद मैंने कहा फीमर। ध्यान रखना फीमर क्या है? बोलो मैंने कहा स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लियर। स्ट्रॉन्गेस्ट बोलो पार्ट ऑफ लेग। मतलब आपको पूछा जाए कॉकरोच की लेग का सबसे मजबूत भाग कौन सा है तो फीमर है। कौन है? बोलो फीमर है। क्लियर। बोलो ऐसे ही समझ जाओगे? इतनी भी लिखो, बोलो समझ जाओगे? स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लेग। फिर मैंने कहा बोलो क्या बताया? टीबिया। क्या बताया? बोलो आपको ये मैंने क्या बताया? टीबिया। टीबिया क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बोलो आपसे लेग्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या बता रहा हूँ? बोलो मैंने कहा लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लेग, मतलब सबसे छोटा भाग ये हो गया। बोलो सबसे छोटा। क्लियर। छोटा मैंने कहा छोटा छोटा भाग। क्लियर। सबसे बड़ा भाग हो गया ये, सबसे बड़ा 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 भाग। क्लियर। सबसे मजबूत हो गया ये, बोलो सबसे मजबूत। क्लियर। पहले बताओ आप लंबा और मजबूत में अंतर समझते हो नहीं समझते? बोलो क्लियर। मतलब यहाँ पर सबसे मजबूत कौन है? फीमर है, स्ट्रोंगेस्ट पार्ट। और लॉन्गेस्ट पार्ट कौन है? टीबिया है। और स्मॉलेस्ट पार्ट कौन है? बोलो ट्रोकेंटर है। क्लियर। ओके। उसके बाद क्या है? बोलो आपका
टार्सस, क्लियर? टार्सस के लिए क्या कह सकता हूं बोलो, मैंने कहा एंड, बोलो पार्ट ऑफ लेग, एक तो बात ये कहूंगा, फिर क्या कहूंगा कि बोलो टार्सस, टार्सस 5 सेगमेंट, क्लियर? बोलो 5 सेगमेंट में बोलो डिवाइडेड, क्लियर? डिवाइडेड रहता है, ठीक है, रहता है, जिन्हें जिन्हें आपसे मैं कह रहा हूं, जिन्हें पोडोमियर, क्लियर? पोडोमियर या क्या कहते हैं बोलो, टार्सोमियर, टार्सोमियर कहते हैं, क्लियर? क्या कहते हैं, पोडोमियर या टार्सोमियर? फिर क्या बात बता रहा हूं, प्रत्येक पोडोमियर, क्लियर? प्रत्येक पोडोमियर के नीचे बोलो, आपसे मैं कहूँ गद्दीनुमा, बोलो गद्दीनुमा, बोलो संरचना, ठीक है, संरचना होती है, क्लियर? होती है जिसे जिसे पेंटुली, क्लियर? जिसे पेंटुली कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पेंटुली कहते हैं, क्लियर? फिर क्या बता रहा हूं कि लास्ट पोडोमियर, क्लियर? लास्ट पोडोमियर की पेंटुली, क्लियर? पेंटुली एनलार्ज मतलब फूली हुई, बोलो फूली हुई होती 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 है, ठीक है, जिसे पूछा जाता है क्या कहते हैं बोलो, एरोलियम। पहले बताओ, कभी नाम सुना नहीं सुना, बोलो बोलो प्यार ही नहीं किया कॉकरोच से तो कहाँ सुनोगे, क्लियर? बट अब तो प्यार करना ही पड़ेगा, क्लियर? जिसे एरोलियम कहते हैं, क्लियर? बोलो जिसके जिसके दोनों और मैंने कहा नखर, बोलो क्लाउज, ठीक है, उपस्थित होता है। आप बताओ, आपको लेग समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, क्लियर? मतलब मैंने लेग्स के बारे में, उसकी मोशन के बारे में, कितनी कौन सी यूज आती है, बोलो कितने सेगमेंट, कितने टाइप के नाम, उनके स्ट्रक्चर, उनके बारे में क्या पता होना चाहिए, सारी बातें बता दी है, क्लियर? तो आई थिंक आपको पॉइंट नंबर बोलो 13 और 14 दो समझ में आया, बोलो। पहले दो नोट करो, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्लियर? ओके जब मैं अच्छे से समझा के सब कुछ लिखा दूंगा, फिर तो आपका राइट होना चाहिए, फिर तो याद होना चाहिए, बोलो, क्लियर? और अगर कोई मन में सोचे मुझे तो प्यार करना ही नहीं है कॉकरोच से, तो दुनिया की कोई ताकत प्यार नहीं करा सकती है। और अगर मन में सोचो नहीं कॉकरोच अच्छा है, कॉकरोच तो मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, तो होगा, बात समझो ना, मतलब जैसा हम सोचते हैं ना वैसे ही हमारा दिमाग काम करता है, क्लियर? मतलब मैं किसी भी चीज को टफ की नजर से देखता ही नहीं हूँ, तो मुझे कोई चीज टफ नजर आती ही नहीं है, क्लियर? मतलब आप जैसा सोचते हो वैसा होता है, ठीक है? आप तो ये सोचो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम इतना सा है, बस मैं तो यूं क्लियर कर लूंगा, तो बोलो होगा ऐसा, समझ रहे हो ना? और रियल बता रहा हूँ, ये एग्जाम बहुत सिंपल है, बस आपको क्रैक करना आना चाहिए। मतलब आप सोचो कि इनमें कोई कंपटीशन नहीं है इतना कोई खास, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड में तो सबसे कम कंपटीशन होता है, क्योंकि एग्जाम सब भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसे कोई मतलब नहीं है, पढ़ के देने वाले बहुत कम होते हैं, बात समझ रहे हो ना? अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पूरा सिलेबस पढ़ के देने वाले बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आपको 100% लाने पे सिलेक्शन होता है, मतलब आप सोचो कि आपके पास कितनी गुंजाइश है कि आप अगर 70% बना लो तो टॉप कर जाते हो, क्लियर? 70% मतलब कोई ज़्यादा नहीं है, बात समझो ना, क्लियर? 70% तो मैंने और ज़्यादा बता दिया है, बात समझो ना, ठीक है, उससे बिलो में ही जाती है कट ऑफ। बस लास्ट तक अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है, क्लियर? बोलो आपका जो टारगेट है उसको हमेशा दिमाग में रखकर रेगुलर स्टडी करनी पड़ती है, क्लियर? बात समझ ना, जो रेगुलर लगा रहता है लास्ट एग्जाम तक उसको जरूर सक्सेस मिलती है। और जो भटक जाता है, पहले जोश रहता है फिर पढ़ता ही नहीं है, तो क्या होता है कि मैंने कहा ना, जब तक आप अपडेट नहीं रहोगे, पढ़ते नहीं रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन ही होगा, अब कभी भी नहीं होगा। हमारा कॉन्फिडेंस कब अप होता है, जब हम रेगुलर पढ़ते रहते हैं, क्लियर?
तो कॉन्फिडेंस अप होता है, और अगर छोड़, इसलिए मैं कहता हूँ रेगुलरिटी मस्ट है, बात समझ ना। कोई बहुत इमरजेंसी काम है तो बात अलग है, बाकी क्लास जाना मतलब जाना कुछ भी हो जाए, रोज का रोज पढ़ना मतलब पढ़ना, बोलो ये होना ही चाहिए आपको, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, क्लियर। कम से कम सारा कितना भी काम हो, रात को तो पढ़ ही सकते हैं, बस पढ़ने वाला होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए मुझे पढ़ना है, क्लियर, ओके। और आपको तो सब कुछ लिखाया जाता है, समझाया जाता है, बस उसको रिवाइज ही तो करना है, मेरी बात समझो ना, क्लियर, ओके। एक एक एनिमल मैंने पढ़ा दिया, सिखा दिया, बस उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, क्लियर। एक एक पॉइंट करके पढ़ रहे हैं, समझ में आया। 14 पॉइंट डेडिकेटेड किसको किया है, बोलो, लेग्स को, ठीक है, किसकी लेग्स को, बोलो, कॉकरोच की, क्लियर। तो लेग्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको 14 से राइट होगा। बोलो ट्राइपोडियल मतलब समझ गए, हेक्सापोडियल मतलब समझ गए, कौन सी गमन करेगा तो साथ में करेगा, एक लेग में कितने, बोलो बोन्स, कितने पार्ट, कितने सेगमेंट, उनके नाम, उनका क्या इंपॉर्टेंस, सब कुछ बता दिया मैंने, ठीक है। हटा दूं, बात समझ में आई, बोलो आपको, ठीक है। ये वाला जो मैंने बताया है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्जामों में पूछा गया है। बोलो गमन के समय 3 लेग्स अर्थात L1, मैंने कहा कोमा R2 एंड L3, और R1 L2 और R3 एक साथ गमन करते हैं, तो गमन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राइपोडियल हुआ, मतलब 3 टांगे एक साथ काम करी, बात समझे नहीं समझे, बोलो, क्लियर, ओके। एकदम स्ट्रक्चर मैंने क्लियर बनाई है, ठीक है।
ट्रो कैंटर ठीक है, ये कॉक्सा ठीक है, कॉक्सा ये फीमर, ये अपनी प्यारी टीबिया ठीक है, ये टार्सस टार्सोमियर पोडोमियर पेंटुली हो गया ये नोट ओके okay. बनाया बात समझ में आए बोलो, कभी मौका मिले कॉकरोच की टांग मिले तो अच्छे से देखना ठीक है, बोलो बात समझ ना कि एक टांग कॉकरोच मरे हुए मिल जाते हैं आपके, क्या उल्टा करना टांग खींच के निकालना और देखना वास्तव में सर ने बताया ऐसा है कि नहीं है ठीक है, फिर भी नहीं पता चले तो एक छोटा वो होता ही है उससे देख सकते हो, क्लियर बात समझ में आए बोलो। वो आपको आगे जब मैं बताऊंगा कि इसकी कौन सी स्ट्रक्चर कौन से सेंसरी होती है तो आपको अलग अलग बताऊंगा, एंटीना किसका करते हैं सब कुछ आपको आगे सेंसरी पार्ट में सबका बताऊंगा ठीक है।
अगर फीमेल कॉकरोच आवाज़ देती है कहाँ हो तो कहाँ कैसे किससे पता चलता है, बात समझ टच करती है तो कैसे पता चलता है, सारे अलग अलग रिसेप्टर्स बताऊंगा। थर्मो रिसेप्टर कहाँ होता है, ऑडिटरी रिसेप्टर कहाँ होता है, समझ के बोलो। अभी ऑन गोइंग है कॉकरोच, कॉकरोच में सब आएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आए बोलो। एंटीना पे मैंने इतना बताया था, ये बोलो रिसेप्टर्स, और बताया था ना मैंने आपको, बोलो क्लियर। ओके एरोलियम तो इस बोलो एडेसिव स्ट्रक्चर हुई, जहाँ पर वो स्मूथ पर जब भी रखेगा, और एरोलियम सबसे नीचे हुआ ना, ठीक है। ओके कॉकरोच एक्सपेरिमेंट करते हो ना एमएससी में, फिर भी प्यार नहीं हुआ, फिर भी प्यार नहीं हुआ, कॉकरोच के बारे में जानते ही नहीं हो अगर किया तो। बस ठीक है। ठीक है। ठीक है, हो गया बोलो। ये देखो, अगर एमएससी जूलॉजी हो या बॉटनी हो, आप जब फर्स्ट ग्रेड करते हो, जब नेट पूरा लाइफ साइंस ही पढ़ना पड़ता है, मतलब आपको वो तो भूल जाओ कि आप एमएससी जूलॉजी बॉटनी हो, आपको अगर लेक्चरर बनना है तो पूरी बायोलॉजी आनी चाहिए, बात समझो ना, ठीक है। और मैं तो कभी जूलॉजी बॉटनी की नेचर से नज़र से देखता ही नहीं हूँ, लाइफ साइंस है, और समझ रहे हो ना, बोलो क्लियर। प्यार प्लांट से भी करना है, प्यार एनिमल से भी करना है, ठीक है। ये एरोलियम ऐसे लिखना, एरोलियम, ठीक है, और कैपिटल भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, ए ई नहीं होता है, एरोलियम, ठीक है, ई नहीं आता, एरोलियम। बोलो, लेग याद हो जाएगी आपको, ठीक है। अब थोरेक्स पे होती दो चीजें हैं, एक लेग्स होते हैं और एक विंग्स होते हैं। अब किसके बारे में बताऊंगा, विंग्स के बारे में, ठीक है। याद तक बात समझ में आई बोलो आपको, ठीक है। देखो, ये अपना पॉइंट नंबर क्या था बोलो, 14, ठीक है। अब क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, 15, 15 में क्या बता रहा हूँ, वापस दो पॉइंट देखो यहाँ पर, विंग्स, ठीक है। मैंने कहा कॉकरोच, ठीक
ठीक है, ध्यान दो, वापस 10-15 मिनट ध्यान देना। कॉकरोच में टू पेयर, ठीक है, टू पेयर विंग्स, ठीक है, थॉरेक्स, थॉरेक्स के मीजो एंड मेटा थॉरेक्स, ठीक है, मेटा थॉरेक्स पार्ट पर होते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको भाई, थोरेक्स में तो प्रोथोरेक्स भी है, मीजो थोरेक्स भी है, मेटा थोरेक्स भी है, क्लियर? तो कौन से दो पे होते हैं? अगर तीन ही बोलो थोरेक्स के सेगमेंट है और तीन जोड़ी लेग्स है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तीनों पे एक एक है बोलो। जब तीन जोड़ी, तीन सेगमेंट है और दो जोड़ी विंग्स है, तो पता होना चाहिए किस पे होता है, क्लियर? तो मैंने कहा किस पे है बोलो, मीजो और मेटाथोरेक्स, क्लियर? अच्छा, दो जोड़ी होते हैं तो एक होता है बोलो फोर विंग्स, क्लियर, और एक होता है हिंड विंग्स, क्लियर? ओके, तो मैंने कहा हमें इनमें अंतर पता चल जाए बस हमारा काम हो जाएगा। एक फोर विंग्स, क्लियर, और एक क्या लिख रहा हूं बोलो, हिंड विंग्स, ठीक है? ओके, देखो वैसे तो मैं इनका डायग्राम पहले बना चुका हूं, आपको दिमाग में है ना? बोलो इसके लिए क्या बोलूंगा, मैंने कहा प्रेजेंट ऑन, ठीक है, कौन सा बोलो, मीजो थोरेक्स, मीजो थोरेक्स, ठीक है, पार्ट, ओके, या मीजो थोरेक्स सेगमेंट एक ही बात है बोलो। इधर क्या बोलूंगा मैं बोलो, प्रेजेंट ऑन, ठीक है, मेटा, मेटा थोरेक्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम बोलो, ओके। उसके बाद नंबर टू क्या बताऊंगा, फॉर विंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, क्लियर, बोलो लॉन्ग, और ये क्या होते हैं बोलो, शॉर्ट होते हैं, क्लियर, ये थोड़े लंबे होते हैं और ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, क्लियर। मैंने कहा आपसे मैं कह रहा हूँ ये है कैसे होते हैं बोलो, लेदरी होते हैं, ठीक है, और ये कहते होते हैं मेम्ब्रेनस होते हैं, ये बोलो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस, ठीक है बोलो, होते हैं, बात समझ रहे ना? ओके, उसके बाद नॉट यूज, ठीक है बोलो, आपको मैं ऐसे लिखा समझ जाओगे बोलो, नॉट यूज, ठीक है, इन फ्लाइंग, ठीक है, उड़ने में काम नहीं आते हैं, ठीक है, और इधर क्या लिख रूँ बोलो शॉर्ट में, मैंने कहा यूज इन, ठीक है, फ्लाइंग, ओके, उड़ने में काम आते हैं, पहले बताओ, यही तो बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्लियर, और स्ट्रक्चर दिमाग में है, इसका मतलब विंग्स में कोई ट्विस्ट नहीं है, हाँ बस ये हमें पता होना चाहिए कि होते दो जोड़ी है लेकिन उड़ने में एक ही काम आता है, एक जोड़ी काम आते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट, दो पॉइंट बता दूं, नंबर 16, ठीक है बोलो, अब हम थोरेक्स से आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या है, एब्डोमेन, भाई अभी तो मॉर्फोलॉजी बता रहा हूँ ना, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन के बारे में अच्छे से जानना, फिर आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर आएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर आएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे ही पढ़ता है एनिमल बोलो, क्लियर, ओके मैंने कहा एब्डोमन, ठीक है, तो एब्डोमन के लिए एक तो बात पता होनी चाहिए कि बोलो 10 सेगमेंटेड, क्लियर, बोलो एब्डोमन कितने खंड वाला होता है, 10 सेगमेंट, अगर एम्ब्रियो स्टेज बोले तो 11, अदरवाइज 10, क्लियर। थोरेक्स में तो 3 होते हैं और हेड में एक होता है, अगर हेड का एक खंड किससे मिल, कितों से मिलके बना, तो 6 की बात करनी है, क्लियर, तो मैंने लिखा 10 सेगमेंटेड, क्लियर। उसके बाद क्या बता रहा हूं कि बोलो इसके अंदर बोलो क्या माई जाती है बोलो, मैंने कहा सेक्सुअल, ठीक है, डाई मॉर्फिज्म, ठीक है बोलो, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है और वो हम एब्डोमन पार्ट से देख सकते हैं, क्लियर। जैसे मैंने कहा ये मैं डायग्राम बनाऊं मेल का बोलो, मेल कॉकरोच, क्लियर, और एक डायग्राम बनाऊं फीमेल कॉकरोच, क्लियर, ओके, और डायग्राम भी मैं वो बनाऊंगा उतना पार्ट जिससे कि हम मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं, क्लियर। तो मैंने कहा 10 सेगमेंट है, वो पहले पूरा बना चुका हूँ, अब मैं केवल आपको पहचान बता रहा हूँ, क्लियर, ओके, मैंने कहा ठीक है, एट नाइन और 10, ठीक है, आगे 7 6 वो तो है ही है बोलो
ये मेल और ये फीमेल, ठीक है। ओके देखो, ये मेल कॉकरोच बनाया, ये फीमेल कॉकरोच बनाया, ठीक है। मेल कॉकरोच में क्या होता है, ये जो है वो तो एनल सरसाई, ठीक है। ये फीमेल कॉकरोच में भी क्या है बोलो, मैंने कहा एनल सरसाई, यह मतलब ये तो दोनों में होती है, क्लियर। बट मेल में क्या होता है, ये एनल एनल स्टाइल, क्लियर। ओके, क्या होती है एनल स्टाइल, कौन से सेगमेंट में बोलो, एक जोड़ी 9 सेगमेंट से निकली होती है, क्लियर। और ये एनल सरसाई भी एक जोड़ी होती है बट 10 सेगमेंट से होती है, क्लियर। तो इसका मतलब एनल स्टाइल केवल और केवल किस में होती है, मेल कॉकरोच में होती है। इसलिए मेल और फीमेल कॉकरोच को हम इजीली पहचान सकते हैं, जिसमें एनल स्टाइल होगी वो मेल कॉकरोच होगा, जिसमें नहीं होगी वो फीमेल कॉकरोच होगा। ये कॉपुलेशन मैथुन में सहायक होती है, क्लियर। और ये तो आपका सेंसरी स्ट्रक्चर होती है, ये सेगमेंटेड होती है और हर एक में 15 सेगमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 15 सेगमेंट, क्लियर। मैंने इस बात का ध्यान रखा, बात समझ में आए बोलो, ये क्या होती है बोलो, मैंने कहा सेगमेंटेड, क्लियर। और मैंने कहा 15 सेगमेंट से बनी, क्लियर। ओके अच्छा, अब आपको मैंने कहा फिर तो मेल और फीमेल में क्लियर अंतर होगा, क्या अंतर होगा बोलो, क्लियर। एक तरफ करूं मैं बोलो क्या, एक तरफ करूं मैं बोलो बोलो मेल, ठीक है, एक तरफ फीमेल। पहला पॉइंट क्या बोलूंगा, अच्छा मेल फीमेल नहीं, हम कर दे किसमें अंतर, एनल, ठीक है, स्टाइल और एनल सरसाई, ठीक है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला मैंने कहा ओनली सॉरी ओनली इन, ठीक है, मेल कॉकरोच, समझ जाओगे बोलो, ठीक है। और एबसेंट इन, अरे इस लिख दूं मैं बोलो, बॉथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, कॉकरोच, आपको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, समझ जाओगे बोलो, मतलब एनल सरसाई मेल और फीमेल दोनों में होती है, डायग्राम बना के बताया, और ये केवल मेल में होती है, ठीक है। मैंने कहा प्रेजेंट, मैंने कहा ठीक है प्रेजेंट ऑन प्रेजेंट एट, मैंने कहा कौन सा सेगमेंट बोलो, 9 सेगमेंट, क्लियर। ओके 9 सेगमेंट, और एनल सरसाई है वो बोलो कहाँ पर होती है बोलो, प्रेजेंट एट 10 सेगमेंट, क्लियर 10 सेगमेंट। उसके बाद ये क्या होती है बोलो सेगमेंट, ये क्या होती है बोलो, मैंने कहा अनसेगमेंटेड, क्लियर। अनसेगमेंटेड मतलब समझ गए, अखंडित होती है। और ये क्या होती है बोलो, सेगमेंटेड, क्लियर। जो पहले दिखाया वही लिख रहा हूँ मैं बोलो, सेगमेंटेड। और मैंने कहा कितने सेगमेंट होते हैं, 15 सेगमेंट, क्लियर। संख्या फिक्स है इसलिए आपको ध्यान रखना है, कितने सेगमेंट होते हैं उसके, एक एनल सरसाई में कितने सेगमेंट होते हैं, 15 सेगमेंट होते हैं, क्लियर। और ये एक्चुअली किस सेगमेंट पे उपस्थित होती है, 10 सेगमेंट, क्लियर, 10 सेगमेंट ऑफ एब्डोमन, मैंने कहा प्रेजेंट एट 10 सेगमेंट ऑफ एब्डोमन, क्लियर। क्योंकि एब्डोमन में 10 सेगमेंट होते हैं, तो लास्ट वाला कौन सा हुआ, 10 सेगमेंट। ये बोलो मैंने कहा आपको प्रेजेंट एट 9 सेगमेंट ऑफ एब्डोमन, ऐसा ऐसा लिखना पड़ेगा, क्लियर, एब्डोमन। ओके अच्छा, उसके बाद क्या बता रहा हूँ आपसे, मैंने कहा हेल्प, ठीक है,
इन, मैंने कहा आपको, बोलो हेल्प इन, बोलो कॉपुलेशन, ठीक है, बोलो क्या होती है, मैथुन, मैथुन में सहायक, ठीक है, मैथुन में सहायक होती, कौन सी, बोलो एनल स्टाइल, बात समझ में आए, आगे जाके मैं बताऊंगा कि एनल स्टाइल पे ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, कौन से होते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर्स, क्लियर, तो फीमेल की आवाज़ को ये यहीं से सुनता है, बात समझ ना, कि मुझे बुलाया जा रहा है, ओके, और मैं आपसे कह रहा हूँ एनल, बोलो ये तो हेल्प इन कॉपुलेशन हो गया, और ये बोलो मैंने कहा सेंसरी, बोलो स्ट्रक्चर, ठीक है, सेंसरी स्ट्रक्चर होती है, सॉरी ये तो हेल्प इन कॉपुलेशन करता है, ये सेंसरी एनल सरसाइज सेंसरी स्ट्रक्चर होती है, क्लियर, ओके, ये मैंने आपको चार बातें बताई, समझ में आए, अच्छा दोनों ही पैर पैर है तो आपको वो तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो सेम हो गया, बोलो अपन यहाँ पर डिफरेंस लिख रहे हैं, क्लियर, बाकी तो आपको पता चल रहा है ये भी पेड है और ये भी पेड है, क्लियर, बोलो आपको, बोलो ये क्लियर कट सेक्स, ये वर्ड मैंने क्यों लिखा समझ में आया, बोलो आपको कि इसमें बोलो क्लियर कट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है, अगर आपको कोई कॉकरोच मिले और आप वास्तव में थोड़ा जानते हो तो कॉकरोच को आप बोलो अच्छे से उसका करके देख सकते हो डिसेक्शन की, वास्तव में ये मेल है एक फीमेल है जिसमें एनल स्टाइल होगी, इसका मतलब हुआ कि कॉकरोच में स्टाइल में कौन होता है, मेल के फीमेल, मेल, क्योंकि स्टाइल उसी में है, बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया, बोलो ओके, तो थोड़ा ध्यान रखना, ओके, ये जो मैंने बताया समझ में आया, आपके दिमाग में दो वर्ड एनल सरसाई और एनल स्टाइल क्लियर होना चाहिए, सरसाई मैंने वर्ड पहले भी आपको बता दिया क्योंकि जब मैंने कॉमन एक कॉकरोच की स्ट्रक्चर कल बनाई थी तो याद करो 10वें सेगमेंट पे मैंने एनल सरसाई बताया था, वो दोनों पे है इसलिए बताया था, एनल स्टाइल नहीं बताया था क्योंकि वो केवल मेल कॉकरोच में है, बात समझ में आए, बोलो ओके, तो आई थिंक आपको 15 और 16 वर्ड समझ में आया, बोलो ठीक है, फिफ्टीन है ना, ये 16 है, वो तो लेग्स के अंदर ही सब कुछ था ना, जैसे 15 विंग्स बताया तो इसमें पूरी विंग्स की बात करी, क्लियर, इससे क्या होगा आपका पढ़ना इजी रहेगा, मैं जो जैसे बता रहा हूँ समझ में आया, बोलो क्लियर,
हटा दूं मैं बोलो ये, ठीक है। ओके, ये दिमाग में डायग्राम रहेगा बोलो आपको, ठीक है। कभी-कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है, मेल कॉकरोच में उपस्थित होते हैं, बोलो एनल सरसाई, एनल स्टाइल, केवल एनल स्टाइल, केवल एनल सरसाई, समझ गए बोलो। ऐसे फीमेल कॉकरोच में उपस्थित होते हैं, ऐसे आपसे पूछा जाता है मेल कॉकरोच की क्या पहचान है, बोलो तो क्या है, प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, क्लियर। ओके, तो आई थिंक, और इन दोनों के सारे अंतर मैंने आपको लिखा ही दिए कि कौन अनसेगमेंटेड होता है, कौन सेगमेंटेड होता है, सेगमेंटेड होता तो कितने सेगमेंट होता है, ओके, कौन से सेगमेंट में होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल कौन से एब्डोमन के सेगमेंट में उपस्थित होता है, किस में होता है बोलो, 9 सेगमेंट में, क्लियर।
है ये नोट? बोलो, आगे बताऊं कहानी? बोलो, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। क्लियर, पॉइंट नंबर 16, ठीक है। अब नंबर 17, ठीक है, हो गया नोट ये? एनल सरसाई दो वर्ड कॉकरोच के क्लियर हुए आपके दिमाग में? नंबर मैंने कहा कौन सा? बोलो, 17। क्लियर? अब इधर ध्यान दो। मैंने कहा, बोलो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। बस 10 मिनट ध्यान देना। बोलो क्या चीज़ हमें ध्यान रखना है? तो मैंने कहा कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच में लॉन्ग एलिमेंट्री एलिमेंट्री केनाल, ठीक है, केनाल उपस्थित होती है, ठीक है। फिर क्या बता रहा हूँ, इसके एलिमेंट्री केनाल को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फॉरगट, मिडगट और हिंडगट। क्लियर? मैंने कहा इसकी इसकी एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री केनाल केनाल को थ्री पार्ट्स, ठीक है, में डिवाइडेड, बोलो डिवाइडेड, ठीक है, किया किया जाता है। क्लियर? कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? थ्री पार्ट में। एक होता है फॉरगट, क्लियर, एक होता है मिडगट, क्लियर, एक होता है मिडगट और एक होता है हिंडगट, क्लियर, ओके। जो फॉरगट होता है, आगे का पार्ट होता है, उसमें क्या क्या आता है? उसमें मैंने कहा, बोलो माउथ, ठीक है, एंड बकल, बोलो बकल कैविटी, ठीक है, ओके। एक ही बात है, एक चीज होती है। उसके बाद मैंने कहा नंबर 2 फेरिंग्स होता है, क्या होता है? बोलो फेरिंग्स होता है, क्लियर। उसके बाद इसोफेगस होता है, इसोफेगस होता है। उसके बाद आपका क्रॉप होता है, नई चीज ध्यान रखना, क्लियर। उसके बाद क्या होता है? गिजार्ड होता है, क्लियर। तो ये सारा फोर गट है, क्लियर। फिर मिड गट में दो चीजें होती है, अभी डायग्राम पूरा बना के बताऊंगा, क्लियर। एक तो होता है, बोलो इसमें हिपेटिक एसिड, हिपेटी, बोलो मैंने कहा हिपेटी, हिपेटिक, बोलो आपका क्या होता है? हिपेटिक एसिड, ठीक है, और जिसमें सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं, क्लियर। और एक क्या होता है? बोलो मेसेंट्री, बोलो मेसेंट्री स्टोमक, क्लियर, मेसेंट्री स्टोमक, ओके। ये दो किसके पार्ट है? बोलो मिडगट के। और हिंडगट के क्या क्या पार्ट है? बोलो इलियम, हिंडगट में क्या कौन होता है? इलियम, ठीक है, कॉलन, मैंने कहा रेक्टम, ठीक है, रेक्टम, और फिर क्या हो जाएगा? लास एनस। बात समझ में आए? बोलो ये सब किस में होते हैं? हिंडगट में, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है, ये मैंने इसका एलिमेंट्री केनाल का बताया। अब अगर मैं स्ट्रक्चर बना के बताऊं, ठीक है, मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री केनाल, ओके। तो क्या होता है, इधर देखना, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। ओके, देखो ये तो हो गया माउथ, ठीक है, बकल कैविटी। फिर क्या हो गया? बोलो फेरिंग्स, ठीक है।
फिर क्या हो गया बोलो? इसोफेगस, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रहा है वो है क्रॉप, मतलब स्टोरेज ऑफ फूड। क्लियर? स्टोर फूड, बात समझ में आए बोलो? क्लियर। और ये क्या है बोलो? आप कहोगे स्लेवरी ग्लैंड। क्या है बोलो? स्लेवरी ग्लैंड। ओके, क्या है? स्लेवरी, स्लेवरी ग्लैंड। क्या है बोलो? स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है बोलो? स्लेवरी ग्लैंड। ओके, ये क्या है आपको मैंने कहा बोलो? गिजार्ड, ठीक है। ओके, पैसनी। तो यहां से लगाकर यहां तक ये क्या हो गया बोलो? पहला फॉर गट। क्लियर? क्या हो गया? फॉर गट। फिर मैंने कहा ये क्या है? हिपेटिक एसिड। क्लियर? ये क्या है बोलो? मैंने कहा हिपेटिक, बोलो हिपेटी कैसी, ठीक है। और इसका काम क्या होता है बोलो? डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव बोलो एंजाइम, ठीक है। एंजाइम बोलो सिक्रेट करना। और ये बोलो एंजाइम सिक्रेट करेगी बोलो, ये कहाँ आएंगे? यहाँ पर। ये क्या है बोलो? मैंने कहा मेसेंट्री, मेसेंट्री स्टोमक। क्लियर? जहाँ पर क्या होगा बोलो? डाइजेशन, ठीक है। मेरी बात समझ में आए बोलो? ओके, तो ये दोनों किसके पार्ट हो गए बोलो? आपको हो गए मिड गट। क्या हो गए बोलो? मिड गट। ओके, और उसके बाद देखो, ये तो हिपेटिक एसिड समझ गए, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? ओके, फिर मैंने कहा ये क्या है बोलो? आपका यहाँ पर मैंने कहा ये इलियम, ये कॉलन, ये रेक्टम और ये एनस, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये मैं आपको यहाँ पर ऐसे बता दूँ कि ये जंक्शन हो गया किसका बोलो? मिड गट और हिंड गट का। और मिड गट और हिंड गट के जंक्शन पे ही मेलपिगन ट्यूबल्स उपस्थित होती है, जो मैं एस्क्रिटरी स्ट्रक्चर इसकी होगी। मैं यहाँ पर पोजीशन क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे कल आपको एस्क्रिटरी भी पढ़ाना है। और कॉकरोच की एस्क्रिटरी स्ट्रक्चर क्या होती है? मेलपिगन ट्यूबल्स। और वहां पर हम पोजिशन लिखेंगे कि मेलपिगन ट्यूबल्स इन कॉकरोच प्रेजेंट बोलो एट जंक्शन ऑफ बोलो मिड गट एंड हिंड गट बोलो, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। क्लियर? ये क्या है बोलो? मेल पिगियन, बोलो मेल पिगियन ट्यूबल्स। क्लियर? ओके, मैंने कहा प्रेजेंट, प्रेजेंट एट बोलो जंक्शन। क्लियर? जंक्शन ऑफ मिड गट, बोलो मिड गट, आपसे मैं करूँ मिड गट एंड मिड गट, ठीक है, एंड हिंड गट। क्लियर? ओके, मतलब आपको ये भी अभी से पता चल जाए। चलो आ जाते हैं बोलो। मैंने कहा ये क्या हो गया बोलो? इलियम। क्लियर? ओके, ये क्या हो गया? कॉलन। ये क्या हो गया? रेक्टम। और ये क्या हो गया? एनस, ठीक है। और इन्हीं को मैं क्या बोल दूं बोलो आपको? हिंड गट। क्लियर? पहले बताओ, यही सारा मैंने अभी लिखा था बोलो? आपको मेरी बात समझ में आए बोलो? क्लियर? ये पूरा मैंने किसका बता दिया? इसकी एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? आपको इसका डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया बोलो? ओके, कि क्या स्ट्रक्चर कैसे कहाँ होती है, कौन डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करता है, कहाँ डाइजेस्ट। अच्छा, ये क्या काम करेंगे बोलो? वर्क, आपसे मैं कह रहा हूँ क्या? एब्जॉर्प्शन, ठीक है बोलो। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड फूड। क्लियर? ओके, और रेक्टम क्या करेगी हम जानते ही है। अरे बोलो, समझे समझे बोलो, इतना तो हमें पता ही है ना, बात समझो ना। ये तो इस भोजन को यहाँ तक पहुँचाने का माध्यम है, फॉरगेट। क्लियर? इसमें स्टोर, इसमें ऐसे चूर 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 कर गिजार्ड क्या करती है। क्लियर? यहाँ ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करेगा, या डाइजेशन होगा। यहाँ पर ईलियम कॉलन में एब्जॉर्प्शन होगा, और यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड को स्टूल में बदला जाएगा और यहाँ पर निकलेगा। बात समझ में आया बोलो? तो आई थिंक ये पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में समझ में आया बोलो? बोलो, समझे कि नहीं समझे? ओके, तो आपको क्या करना है? ये नोट करना है, ठीक है। क्या? हाँ, एब्जॉर्प्शन होगा ना, दोनों में होता है ना, इलियम और कोलन में, ठीक है। क्योंकि वो हिंड गट के पार्ट है, और हिंड गट एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट होता है, ठीक है। मतलब अपने में ऐसा है, फॉरगेट मिडगेट हिंडगेट नहीं है, अपने तो पूरी एलिमेंट्री के नाल है, ठीक है।
ये मैंने पहले क्यों लिखा आपको समझ में आया बोलो, ताकि आपको डायग्राम समझ में आए। कल अपना कॉकरोच कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग सारी चीज़ें, चाहे रिप्रोडक्टिव हो, चाहे सर्कुलेटरी हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, चाहे एस्क्रेटरी हो, क्लियर? चारों कल हम स्टडी करेंगे। अभी तक इजी लगा आपको कॉकरोच? बोलो, नहीं बोलेंगे, ठीक है। फोरगट, मिडगट और हिंडगट, क्लियर? हो गया? ओके, बात समझ में आई? बोलो। और इसी को पूरा मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया, और साथ में मैंने मेलपिकियन ट्यूबुल्स भी बता दी, ताकि आपको कल जब पढ़ाऊं तो पहले से उसकी पोजीशन पता रहे कि मेलपिकियन ट्यूबुल्स कहाँ होती है। बोलो, है तो एस्क्रिटरी स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच है, ठीक है। मतलब डायग्राम ऐसे बनाने चाहिए जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। बोलो, बात समझो ना, ठीक है। और पेंसिल से तो कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पेंसिल हमें कमज़ोर बनाती है। हमारे माइंड में पहले ही करती है कि कोई बात नहीं, मैं गलत करूँगा तो सही कर लूँगा, तो जान के गलती करते ही है। और यही अगर पेन से बनाओगे तो क्या होगा, पहले दिमाग में रहेगा मुझे गलती नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो आपको। कल हम क्या पढ़ेंगे? एस्क्रिटरी सिस्टम,
सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो हमारा कॉकरोच कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर? ओके।